वृद्धावस्था में क्या तपस्या कर पाओगे, व्रत नहीं ले सकते। अब भगवान को देखना भी चाहोगे तो मोतिया भी अंदर बढ़िया से देख भी नहीं सकते, है ना। फिर भी भक्त प्रणीत निवेदन करते हुए कहता सरकार, जीवन नैया चर चर है, क्षण क्षण विनाश का दर है। जीवन नैया चर चर है, क्षण क्षण विनाश का दर है। मृत्यु रोके प्रभु, पता नहीं कब बुरा हुआ है, क्या भरोसा है जिंदगी का। जीवन नैया चर चर है, क्षण क्षण विनाश का दर है। क्षण क्षण विनाश का दर है, क्षण क्षण विनाश का दर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पथिक से पावन परीक्षित, जब तक जीव भगवान के चरण आश्रय का सहारा नहीं लेगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कैसे बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न आज आपने हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे थे, उसी समय नारद जी गए और जाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, कहो पुत्र क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, पितामह ही बताइए, विधाता आप हो, पूरी दुनिया को आप बनाते हो, फिर आप किसका ध्यान करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमसे भी ऊपर कोई है जिन्होंने मुझे बनाया है। ब्रह्मा को भगवान ने बनाया और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, और भगवान जिस पर बैठे हैं, वो ब्रह्मा जी जिस पर बैठे हैं ना, वो कमल का फूल है, और ये कमल ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए भगवान को कमल बहुत प्रिय है, और बार बार भगवान की उपमा कमल से ही दी जाती है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। तो जब भगवान के मन में आता है, एको हम बहुत श्यामा, एक से मैं अनेक हो जाऊंगा, तो मेरे भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले जल बनाते हैं, और जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और उस नार में भगवान अपना आयन बनाते हैं, यानी घर बनाते हैं। तो भगवान का नाम क्या पड़ा, नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। फिर भगवान की इच्छा से शेष नाग जी का प्राकट्य होता है। भगवान ने सैया कितनी बढ़िया बनाई अपने रहने के लिए, शेष सैया, शेष सैया बनाई। पहले समुद्र को बनाया, जल को बनाया, और जल में अपना आयन बनाया, शेष का शेष नाग की सैया बनाई। और शेष नाग जी भी कैसे हैं, जब शेष सैया पर भगवान लेटते हैं तो शेष नाग जी जब श्वास खींचते हैं ऊपर ऐसे, तो भगवान थोड़ा नीचे जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो भगवान ऊपर आते हैं। और इस तरह से भगवान ऊपर नीचे होते रहते हैं, और समुद्र की लहरें होती हैं, तो मेरे भगवान उसी में झूला झूलते रहते हैं, और कहते हैं झूला झूलते समय बहुत अच्छी नींद आती है ना, तो मेरे भगवान शेष सैया पर चिर निद्रा में सोते रहते हैं, और जब आंखें खुलती हैं
तो भगवान के मन में सृष्टि का जब भाव जगता है तो भगवान के नाभि से सुंदर कमल निकलता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव जगता है कि मैं चारों तरफ देखता तो अच्छा रहता। उसी समय ब्रह्मा के चार मुख हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम चतुरानन पड़ा। चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के, एक समय एक ही समय में चारों तरफ देख लेते हैं। और ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये सृष्टि जो बनी है भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। जैसे भगवान ने जल बनाया, कमल बनाए, ब्रह्मा को बनाए और ये पूरी सृष्टि बनाई, तो निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान ही है। यानी बनने वाले भी भगवान है और बनाने वाले भी भगवान ही है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी का कुल्हड़ बनाता है, जिसे चुक्कड़ बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, चुक्कड़ बोलते हैं, और अपने उधर कुल्हड़ बोलते हैं। परी बनाता है, दियेदी बनाता है, कलश बनाता है। तो मिट्टी को भी भगवान ने बनाया और मिट्टी से जो बना हुआ है कलश देवी ये सब भी भगवान का ही बनाया हुआ है। और जो कुम्हार बने भगवान ही कुम्हार बने, मिट्टी भी भगवान बने और कुम्हार भी भगवान ही बने। अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप में होकर। जैसे मकड़ी जाल बुनती है तो मकड़ी कहीं से खरीद करके थोड़ी होती है, वो तो स्वयं तो अपने से तैयार करके स्वयं उसी में। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि उपादान कारण भी मैं हूं और निमित्त कारण भी मैं ही हूं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये समय अवस्था में लय हो जाता है और समयावस्था में ही सृजन भी होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक जब हो जाते हैं तो प्रकृति का जब दर्शन पुरुष ने किया उस समय हलचल हुआ, और जब हलचल उत्पन्न हुआ तो क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसमें सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले महातत्व की उत्पत्ति हुई और महातत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। सत, रज और तामस, ये जो तीन प्रकार के अहंकार हैं। और तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं के द्वारा पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई, जिसे हम कहते हैं स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। ये पांच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई है और ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई। जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की रचना रजोगुण के द्वारा हुई। जो रसनेन्द्रियां हैं, घ्राणेन्द्रियां हैं, श्रवणेन्द्रियां हैं और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के मन में आया भाव कि मैं सृष्टि करूं, कैसे करूं, तो दो शब्द सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को, इस पर से सुयद सोडस में कबिंसम सा और ता, सोलहवां और एक इक्कीसवां अक्षर सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को। सोलहवां ता अक्षर और इक्कीसवां पा अक्षर सुनाई पड़ा, षोडश एक विंशम, सोलहवा और इक्कीसवां अक्षर सुनाई पड़ा, तप तप। अच्छा देखो जब पानी कहीं गिरता है ना तो टप टप की आवाज आती है ना, तो ब्रह्मा जी को भी आवाज आई तप तप, अरे ब्रह्मा तप करो, क्योंकि बिना तप किए कुछ कामना की पूर्ति नहीं हो सकती है। नारद जी कहते हैं जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी।
इसलिए तापा तापा दो शब्द सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और जब कठिन तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नारायण प्रकट हुए, ब्रह्मा का हाथ पकड़े, बोले जाओ मैंने तुम्हें विधाता बना दिया। ब्रह्मा को बोले सरकार इतना बड़ा पद आप हमने दे दिया, हमको दे दिया आपने, और कहीं मेरे अंदर अहंकार आ गया तो। भगवान ने कहा विधाता चिंता मत करो, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता उसको लगता है मैं ही सबसे ऊंचा हूं, और जब पहाड़ के नीचे आता तो उसे लगता है मुझसे भी कोई ऊंचा है। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम चिंता मत करो। भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत में चतुश्लोकी मंत्र का उपदेश दिया, जिसमें संपूर्ण भागवत का सार समझा दिया है। कहा देखो नान्यत् सत् सत् परम् पश्चाताहं यदेतत् योऽसि सेत् सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मेव आग्रे, भगवान कहते ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और मैं निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं था, ना सूक्ष्म ना स्थूल, अंडज उद्भिद स्वेतर जलायु पिंडज, अंडज पिंडज उद्भिद स्वेतर जलायु, कहीं कुछ भी नहीं था। भगवान कहते केवल मैं था, एकमात्र मेरी सत्ता थी। ब्रह्मा ने जिज्ञासा की, बोले प्रभु जब आप थे और अकेले थे और कुछ नहीं था तो दुनिया आपने कैसे बनाई? आपके पास कुछ तो होगा दुनिया बनाने के लिए। भगवान बोले कुछ भी नहीं था, न कोई साधन था, न कोई कर्मचारी था, और दुनिया बनाने वाला भी मैं हूं और दुनिया में जो कुछ बना है वो भी मैं ही हूं। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं। जैसे एक सोने के ईंट को ले जाओ और ले जाकर सुनार को दे दो, कहो इसका हासुली बना दो, कंगना बना दो, बिंदिया बना दो, नथिया बना दो, झुमका बना दो। अब उस सोने के टुकड़े को गलाकर सुनार ने क्या क्या किया, मुट्ठी बना दी, कंगन बना दिया, झुमका बना दिया, हार बना दिया, बिंदिया बना दिया, नथिया बना दिया। अब उसके नाम अलग अलग है, कोई कहता भैया बिंदिया है, कोई कहता झुमका है, कोई कहता कंगना है, कोई कहता ये हार है। और फिर ले जाकर के सब सुनार को दे दो महाराज गला दो, तो फिर वो जैसे कहते हैं पहले भी सोना था और इतने आकार प्रकार में बनने के बाद भी वह सोना ही है, और जब गला दिया गया तो जो बचा वह सोना ही बचा। इसलिए भगवान कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा ही स्वरूप है। अहमेवास में वाग्रे नान नान्य यद सद सत परम। इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कहा देखो ब्रह्मा जी को चार मंत्र में उपदेश दिया है। कहा देखो ब्रह्मा जी ये मेरा स्वरूप है, अब दूसरे मंत्र में भगवान कहते हैं मेरी माया है जो तुम्हारे कार्य को सिद्ध करेगी, और मेरी माया के बारे में जानो। वितेर्थयति प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासते।